द खालसा टीवी के हेडलाइनस बुलेटिन में मैं दिलीप सिंह तुहाडे सब का स्वागत करदा। किसान जथेबंदियों के सद्दे ते अज पूरे भारत च होवेगा चक्का जाम। दुपहरे 12 बजे तो लेकर शाम 4 बजे तक सड़की आवाजाई रोकी जाएगी। दुकाना बाजार आम वांग रहणगे खुले। द खालसा टीवी आप सब नूं किसानां दा साथ देण दी अपील करदा है। किसान यूनियन ते पंजाब सरकार दी बैठक रही बेनतीजा। किसानां ने 20 नवंबर तक माल गड्डियां नूं चलण दी दित्ती इजाजत। 26 ते 27 नवंबर नूं दिल्ली विच प्रदर्शन संबंधी 10 नवंबर तक पूरा प्रोग्राम फाइनल किया जाएगा। किसानां दी अगली मीटिंग 18 नवंबर नूं होवेगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेती कानूनों खिलाफ़ दिल्ली के जंतर मंत्र से दिता धरना। सुखपाल सिंह खहरा, परमिंदर सिंह ढींडसा ते बैंस भरावां ने भी कैप्टन नूं मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के किया समर्थन। मर जावांगे पर अंबानी अंडानी नूं पंजाब विच नहीं वड़न देवांगे। नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली धरने विच गरजे। कहा किसानी साडी पग है, जो साडी पग नूं हथ पावेगा असीं उह हथ वड़ देवांगे। खेती कानूनां नूं लै के बहस करन लई भी कीता चैलेंज। श्रोमणी अकाली दल अते आम आदमी पार्टी कैप्टन दे दिल्ली धरने विच रहे गैर हाजर। श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा जेकर कैप्टन ने धरने उत्ते बैठना ही है तो मरण वरत उत्ते बैठन। भगवंत मान ने भी किया कैप्टन ते वार। कहा ड्रामे ना करके अपने आका मोदी नाल गल करो। सुनाम विच किसानां ने घेरिया सुखबीर सिंह बादल दा काफला। लहरा गागा नेड़े सुखबीर बादल दे काफले नूं कालियां झंडियां दिखा के कीती जबरदस्त नारेबाजी। सुनाम दे पिंड वीर कलां विच पार्टी वर्करां दी घर वापसी लई जा रहे सी सुखबीर सिंह बादल। जंडियाला गुरु च चलदा रेल रोको अंदोलन 43वें दिन विच होया दाखल। किसान जथेबंदी अज दे कौमी बंद नूं सफल बनाउण लई आ तैयार बर तैयार। जैतो नेड़ले पिंड चंदभान च पराली नूं अग लाउण संबंधी कार्रवाई करन आए अधिकारियों नूं भारतीय किसान यूनियन एकता डकाउंदा ने पाया घेरा। विरोध तों बाद अधिकारियों ने किसी भी तरह की कार्रवाई ना करन दा दित्ता लिखती भरोसा। जदों असीं 30 रुपए किलो आलू देण नूं तैयार हाँ तां सरकार पठान तों क्यों मंगवा रही है आलू। किसानां ने केंद्र सरकार उत्ते चुके सवाल। बलवंत सिंह मुल्तानी केस विच पंजाब सरकार ने पंजाब दे साबका DGP समेत सैनी की जमानत रद्द करने बारे पाई अपील लई वापस। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक TV के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी नूं कीता गिरफ़्तार। 53 साल इंटीरियर डिजाइनर अनवे नायक नूं सुसाइड लई उकसाउण दे कथित केस विच कीता गया गिरफ़्तार। अनवे नायक वल्लों लिखे कथित सुसाइड नोट विच 5,40,00,000 रुपए का भुगतान ना करना लिखी गई है मौत की वजह। अर्णव गोस्वामी की गिरफ़्तारी ते गृह मंत्री अमित शाह ने दिता बड़ा बयान। कहा कांग्रेस ते इस दे सहयोगी लोगों ने एक बार फिर लोकतंत्र नूं शर्मिंदा किया। अर्णव गोस्वामी खिलाफ राज शक्ति की दुरवरतों करना निजी आजादी ते लोकतंत्र के चौथे थंब उत्ते हमला है। यह सानू एमरजेंसी की याद दिवाउंदी है। प्रेस उत्ते हुए इस हमले की सदा निंदा की जानी चाहीदी है। कांग्रेस के साबका प्रधान राहुल गांधी ने EVM मशीन ते कीता वड्डा हमला। कहा इहदा नाम EVM नहीं सगों MVM यानी कि मोदी वोटिंग मशीन होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते मुख्यमंत्री नतीश कुमार उत्ते कोरोना संकट, बेरोजगारी, किसानां अते छोटे व्यापारियों दीआं समस्यावां दी अणदेखी करन दे वी लाए दोष। बंबई हाई कोर्ट ने यस बैंक धोखाधड़ी मामले में दीवान हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के प्रमोटर कपल अते धीरज वधावन की जमानत अर्जी की रद्द। जस्टिस SV कोतवाली की बेंच ने 23 अक्तूबर को जमानत अर्जी से फैसला रखा राखवां। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कप्तानगंज इलाके च गैर कानूनी पटाका गोदाम में होया धमाका, 3 व्यक्तियों की हुई मौत, दर्जना होर हुए जख्मी। राष्ट्रपति चोणां विच डोनाल्ड ट्रंप ने वड्डी धोखाधड़ी होण दा कीता दावा, सुप्रीम कोर्ट जाण दा वी कीता ऐलान। अमरीकी चोणां विच भारतीय मूल दे डेमोक्रेटिक सांसद मैंबर राजा कृष्णामूर्ति, परमा जयपाल ते नीरज एंटनी नूं मिली जित। फ्रांस ने अफरीकी मुल्क माली विच इस्लामिक कट्टरपंथियों के 50 जहादी मार मुकाउण दा कीता दावा। रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने ट्वीट करके दित्ती जानकारी। दक्षणी चीन के गुआंगशी जुआंग खेत्र में कुदरती गैस टर्मीनल नूं लगी अग, 5 व्यक्तियों की हुई मौत, 3 लोग होर हुए जख्मी। हेडलाइनस देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।